हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बताऊंगी। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है? तो जैसे कि मैंने आपको जॉइंट्स के बारे में पढ़ाया हुआ है, सर्कुलेटरी सिस्टम में मैंने आपको हार्ट के बारे में बताया था, वैसे जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है हमारी बॉडी का, उसमें किडनीज इन्वॉल्व होती है। तो किडनी के स्ट्रक्चर, उनके फंक्शन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, देखो रिमूवल जो होता है अनवांटेड मटेरियल का हमारी बॉडी से, हम कोई भी अनवांटेड चीज जो निकालते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सक्रीशन, ठीक है? तो हमारी जो बॉडी में किडनीज होती हैं वो हमारी बॉडी से अनवांटेड मटेरियल को निकालती हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। सो हम इसीलिए किडनी को एक्सक्रीटरी सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। अब किडनी में देखिए क्या क्या चीजें होती है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि राइट किडनी है ये, एंड दिस वन इज योर लेफ्ट किडनी, ठीक है? राइट किडनी हमेशा आपकी लेफ्ट किडनी से थोड़ी नीचे होती है। क्यों? क्योंकि यहां पे लीवर होता है। क्या होता है? राइट किडनी के ऊपर एक लीवर होता है, जिसकी वजह से राइट किडनी की जो पोजिशन होती है वो लिटल बिट डाउन होती है एज कम्पेयर टू योर लेफ्ट किडनी। उसके बाद जो लीवर की आउटर लेयर होती है ना, ये लीवर की आउटर लेयर को हम क्या बोलते हैं? पेरिटोनियम लेयर। क्या बोलते हैं हम इसको? पेरिटोनियम लेयर। आउटर लेयर जो होती है उसकी हमको क्या बोलते हैं? पेरिटोनियम लेयर। अब जो किडनीज हैं, ठीक है, किडनीज में से दो वेन्स निकलती हैं, ठीक है, सॉरी हम ऐसे कैसे, किडनी में से जो वेन्स निकलती हैं उनको हम कहते हैं रीनल वेन, और एक को हम कहते हैं रीनल आर्टरी। ओके, रीनल वेन एंड रीनल आर्टरी। देन इन्हीं किडनीज में से दो और वेन्स निकलती है जिनको हम क्या कहते हैं? यूरेटर्स। यूरेटर्स में से जो भी मटेरियल बाहर आता है किडनीज में से, वो कहां जाके इकट्ठा होता है? यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर के नीचे होता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या करता है? यूरिन को पास आउट करता है। सो ये है आपका एक स्ट्रक्चरल नॉलेज ऑफ किडनी। तो क्या होता है किडनीज में? टू किडनीज होती हैं, पहली किडनी को, सॉरी राइट किडनी एंड लेफ्ट किडनी। राइट किडनी इज लिटल लोअर देन लेफ्ट किडनी। क्यों? क्योंकि राइट किडनी के ऊपर क्या होता है? लीवर होता है। अब किडनी की जो आउटर लेयर होती है, यहां पे भी इस किडनी की भी जो आउटर लेयर होगी ना, ये यहां पे पूरी जो आउटर लेयर है, यहां से लेके पूरी यहां तक जो है, ये आउटर लेयर को हम क्या बोलते हैं? पेरिटोनियम लेयर, ठीक है? किडनीज में दो वेन्स होती हैं, किडनी की वेन्स को हम क्या बोलते हैं? रीनल वेन एंड रीनल आर्टरी। वेन और आर्टरी क्यों लिखते हैं? क्यों बोलते हैं हम इसको रीनल वेन एंड आर्टरी? एक में प्योर ब्लड आता है और एक में इम्प्योर ब्लड आता है, इसलिए। किडनी से दो वेन्स बाहर निकलती हैं जो नीचे डाउनवर्ड्स आती है, उनको हम यूरेटर्स कहते हैं। यूरेटर्स के बाद आता है यूरिनरी ब्लैडर और नीचे आता है यूरेथ्रा। अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताती हूं मैं आपको। पहला, आउटर लेयर को क्या होती है, उसको क्या बोलते हैं? पेरिटोनियम लेयर। मेन वेन जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? रीनल। अगर आपको एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में कि आउटर लेयर जो किडनी की होती है उसको क्या बोलते हैं, आप लिखोगे पेरिटोनियम लेयर। मेन वेन जो होती है किडनी में उसको क्या बोलते हैं? रीनल। हमारी किडनी के ऊपर एक ग्लैंड पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड। तो आपको क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जा सकता है, विच ग्लैंड इज फाउंड अबव द किडनी। सो ये देखिए, जैसे किडनी है, इसके ऊपर एक ग्लैंड पाया जाता है, इसको हम बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड। उसके बाद फंक्शन जो है यूरिन का इज टू रिमूव, सॉरी फंक्शन ऑफ किडनी, किडनी का क्या फंक्शन है? यूरिन को रिमूव करना। और राइट किडनी मैंने आपको बताया था अबव होती है क्योंकि उसके साथ ऊपर लीवर होता है। सो ये था आज हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, ओवरऑल व्यूज का बता दिया। नेक्स्ट मैं आपको एक किडनी को लेके पूरा स्ट्रक्चर बताऊंगी कि इसमें कैसे वेन्स आती हैं, क्या क्या इसमें पार्ट होते हैं। टिल देन गुड बाय। अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।